देश की राजनीति, देश का मिजाज बदल चुका है। हमको ये सबको समझना होगा। ये पुराने तौर तरीकों से राजनीति नहीं चल सकती है। 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नया युग का आरंभ हुआ है, और जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो तय करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कौन इस देश को और उत्तर प्रदेश को उनका शासन चलाएंगे, कौन प्रमुख और मुख्य सेवक, प्रधान सेवक देश के बनेंगे, मुख्य सेवक बनेंगे, ये जनता तय करती है। ये साइलेंट मेजॉरिटी अपने 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 आवाज को वोटों के रूप में प्रदेश के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मुझे साधना जी थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, सरकार को कहना चाह रही बहुत बड़ी बहुमत मिलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से साधना जी हैं, साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मुस्कुरा रही थी जब आप कुछ कह रहे थे। साधना जी आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तौकीर का तो समर्थन आपने लिया, तौकीर जी की बहू के बयान का भी आप समर्थन करती हैं कि मुस्लिम महिलाएं योगी जी के साथ। साधना जी देखिए, जी देखिए, मैं मानती हूँ कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। और महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन ये याद रखिएगा, यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता माता का हरण ना हो पाता, और रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रही। मगर यहाँ मोदी और योगी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब निदा खान जी की बात उन्होंने कही, लेकिन एक तरफ लालजी टंडन जी की पौत्र वधु दहेज की वजह से तंग है, वो कह रही है कि उन्हें तंग किया जा रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही है, वीडियो बेचारी वो जारी कर रही है बार बार बनाकर, तो मुझे लगता है उनकी भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये कह रहे थे बड़ा महिलाओं का सम्मान करते हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि झूठ जिस तरह बिना रुके बेझिझक आंख में आग डालकर भाजपा के प्रवक्ता बोल देते हैं, तो वो जुमलेबाजी के लिए मैं हंस रही थी। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूंगी, दयाशंकर सिंह जी जिन्होंने मायावती जी के लिए अपशब्द बोल दे, उन्हें उपहार के रूप में उनकी पत्नी स्वाति सिंह जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। अब वो बात अलग है, जो स्वाति सिंह जी कल तक अपने पति के अपशब्दों के लिए खड़े होकर लड़ रही थी, वो अब टिकट के लिए अपने पति से ही लड़ रही हैं। दूसरी बात बताना चाहती हूँ, कहा कि अब बंद हो गया है महिलाओं के लिए, देखिए अब कितना हमने वो कर दिया। मायाराम लोधी जिनकी बहू BDC सदस्य बनी, उन्होंने भाजपा को वोट देने से इनकार कर दिया, तो भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे जाते हैं उनके घर और उनके जेठ को मार मार कर जान से मार दिया जाता है, धाराएं कम कर दी जाती हैं, बेटा विकलांग है, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी की पेशकश नहीं, कोई दया नहीं, किसी भी तरह की निंदा नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक के बाद एक केस होते हैं, उसके बाद हाथरस का रेपकांड, आधी रात में शव जला दिया जाता है DM के सामने, ये कह दिया जाता है ADG लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा रेप ही नहीं हुआ, और उसके बाद उन्नाव पीड़िता कुलदीप सेंगर के लिए 7 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई, और उन्नाव पीड़िता की माँ को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपकी सारी चीजें बात सही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि फिर महिला के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है? नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं, मैंने तो कहा है ना कि तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए इन महिलाओं के प्रति घटनाओं का, लेकिन क्या अगर शव जला दिया जाएगा? नहीं नहीं, आधी रात को अगर शव जला दिया जाएगा तो उस पर बात भी ना की जाए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, अगर राजस्थान में हो रहा है तो गलत है, लेकिन साधना जी अगर मैंने गलत सवाल गलत है तो बताइए ना, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में फिर राजस्थान नंबर 1 क्यों है? सवाल आपकी सरकार है, लड़कियों लड़ सकती हूँ, बेटियां सुरक्षित है, तो राजस्थान में सुरक्षित क्यों नहीं है फिर? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, मेरी और निदा खान जी क्या सीता माता की बेटी नहीं है? अपर्णा यादव क्या सीता माता की बेटी नहीं है? अरे बिल्कुल है भैया, तो मैं तो कहती हूँ बना दो अपर्णा यादव जी को CM का चेहरा, बनाएंगे तो फिर मैं वो भाजपा, तो फिर ये भी तो सीता माता की बेटी है, निदा खान भी सीता माता की सब है ना, तो फिर तौकीर का समर्थन है उनकी, उनकी बहू के बयान का भी समर्थन नहीं है फिर? मैं तो कह रही हूँ ना कि अपर्णा यादव जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी बनाएंगे CM का चेहरा, तो बता दे किसी पिछड़े वर्ग की महिला को बनाएंगे CM का चेहरा, बता दे। इन्होंने तो पिछड़े और दलितों के नाम पर केवल वोट के लिए मलाई खाने का काम किया और उनके चेहरों को रखकर कठपुतली बनाने का माध्यम इस्तेमाल किया, कठपुतली बनाया। सुश्री उमा भारती जी छोड़कर भाग गई थी इनकी पार्टी, उसके बाद कल्याण सिंह जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, क्या किसी पिछड़े को पूरे 5 साल तक रहने दिया मुख्यमंत्री? तो मुझे बता दीजिए। और कह दिया था कल्याण सिंह जी ने, गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्दे खाक कर दूंगा, और कर भी, करके भी दिखाया। तो ये तो क्या है, अगड़े की, पिछड़े की, हिंदू की, मुसलमान की नैया में पांव रख के और चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल अब बता दे ना कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, बड़ा आपने बोला, बड़ा गुरूर के साथ, बड़ा आपने बता दिया, खुददारी के साथ आप महिलाओं की बात करते हैं, तो ये बता दीजिए ना
तो इसका मतलब अब आप संजय निषाद जी से बंधन तोड़ देंगे? उन्होंने तो माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठा दिया था ना। पूरा निषाद समाज आज भी नाराज है क्योंकि उन्होंने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, तो आप ठगबंधन तोड़ रहे हैं, मतलब ये मान लिया जाए इसका मतलब। और अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो फिर अपने आप को राम भक्त कहना, महिला का हितैषी कहना, दलितों का हितैषी कहना, पिछड़ों का हितैषी कहना बंद कीजिए, ये दुकानें चलाना बंद कीजिए दलितों और पिछड़ों के नाम पर।